अभी टाइगर अभी जिंदा है, अभी आपको हम इंटरव्यू दे रहे हैं, अभी हमको देवघर जाना है, रास्ते में हार्ट अटैक कर जाए, हम बांसघाट चले जाएं। सुनाई देने लगी है अब, और आपके पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन भी हुआ है, क्या कहेंगे? सब तो रूटीन है, रूटीन होता है, कभी आता है कोई फिर जाता है, बहुत से लोग पहले भी आए, बहुत से लोग पहले भी गए, क्योंकि लालन सिंह जी को चुनाव लड़ना है तो उन्होंने माननीय नेता से आग्रह किया था कि हमको इस जिम्मेवारी से मुक्त कर दिएगा तो हम अपने लोकसभा चुनाव में ज़्यादा समय दे पाएंगे, इसलिए निर्णय हुआ। ऐसा तो नहीं लगता कि 2016 की पुनरावृत्ति फिर बिहार में होगी और NDA में आप जाएंगे जिस तरह से 2017 में? राजनीति तो हेतु मद्भुत से होता नहीं है। अभी आपको हम इंटरव्यू दे रहे हैं, अभी हमको देवघर जाना है, रास्ते में हार्ट अटैक कर जाए, हम बांसघाट चले जाएं, इसका क्या गारंटी है? कल क्या होगा 2 घंटे के बाद, इसका क्या गारंटी है? संभावना से कैसे? राजनीति तो अभी हम लोग गठबंधन में हैं, गठबंधन में हमारी सरकार चल रही है। जैसे लोकसभा चुनाव की टाइम नज़दीक आते जाता है, उसे ED CBI का वार ज़्यादा हो रहा है अभी पिछली दलों के। ये बात तो कहा जा रहा है ना, इस देश में एक बड़ा सेक्शन ये बात को कह रहा है कि ED की कार्रवाई जो है वैसे ही लोगों पे हो रही है जो विपक्ष में, तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता नहीं दिखती है। ये बात तो लोग चर्चा में है, इसका जवाब तो सरकार को देना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कारण है। केजरीवाल पे दबाव बढ़ रहा है, हेमंत सोरेन पे दबाव बढ़ रहा है, कह रहा है कि ED गिरफ्तार हो सकती है। नहीं नहीं भैया, हम कह रहे हैं ना कहीं पारदर्शिता नहीं है और किन कारणों से हो रहा है, इसका तो जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही देना चाहिए, वही दे पाएंगे इसका जवाब। लग रहा है कि है, हो रहा है। हम तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये संशय है कि पारदर्शिता नहीं है कार्य प्रणाली में, तो इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही दे पाएंगे ना। सर, नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और विपक्ष आरोप लगा रहा है नीतीश कुमार जी अब राजनीति में खासिये पे चले गए, कहीं पब्लिक। अभी टाइगर अभी जिंदा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।